हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विन ट्रेडर ट्रेडिंग सिस्टम। इक्विटी मार्केट में हमारी जो सॉफ्ट आज क्या परफॉर्मेंस दिया है, तो ये मैं लाइव मार्केट के थ्रू आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके साथ कुछ स्टॉक भी सेलेक्ट किया है। और इसमें आज पहले मैं दिखा रही हूँ निफ्टी का फ्यूचर की चार्ट है। सब में मैंने इंट्राडे के टाइमिंग के हिसाब से सेट किया है। किसी को ऐसे ही लाइव परफॉर्मेंस, अगर लाइव डेमो देखना चाहते हो तो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले और नंबर में कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। हमारे वेबसाइट भी डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेली पूरा नीचे लिख के रखा है। और इसमें टेस्टिमोनियल, हमारा जो प्राइसिंग डिटेल्स, पूरा डिटेल्स हमारे वेबसाइट में डायरेक्टली है। अगर किसी को लाइव परफॉर्मेंस अगर देखना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, नंबर व्हाट्सअप नंबर है, इसमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। मेरा नाम सीमा है, ओके। तब इसमें देखिए, ये निफ्टी का फ्यूचर के चार्ट है, 5 मिनट्स का इंट्राडे टाइमिंग, यानी कि 5 मिनट्स इंट्राडे के लिए, 15 मिनट्स पोजिशनिंग के लिए। अभी कुछ दिनों से ही निफ्टी में कंटिन्यूसली अभी बाई में ही जा रही है। अभी यहाँ पे देखिए, 1 तारीख से सिग्नल आए हुए कंटिन्यू चल रही है 15 में। तो इंट्राडे सेट करना है तो अपन को 5 मिनट्स में सेट कर सकते हो ऑलरेडी। इसमें 22 सिग्नल आएंगे 1:10 के अंदर, उसके बाद सेल, उसके पहले सेल आई थी, वो सेल कंफर्म नहीं था, बाई कंफर्म है। तीनों टारगेट अचीव हो गया ऑलरेडी, 100 पॉइंट्स ऑलरेडी पार कर चुके हैं हमारे सॉफ्ट के हिसाब से। अभी सिग्नल आने के टाइम में आपको यहाँ से मार्केट, आज का मार्केट यहाँ व्हाइट का डे ब्रेक अलायंस हुआ था, इसमें कॉर्नर में आपको लाइव रेट दिखेगा। ये सेल सिग्नल है, रेड कलर डाउन आ रहा है, ग्रीन कलर पर बाई है, दोनों आते हैं तो अलर्ट आते हैं। साथ में जो लेटेस्ट सिग्नल की पूरी डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिलेगा। तो ये लेटेस्ट सिग्नल कब आए थे, 1:10 के अंदर 18,110 में, तो इसमें एंट्री पॉइंट दिया था, उसके हिसाब से 3 टारगेट 40 40 40 का 3 टारगेट और स्टॉप लॉस भी दिया है। तीनों टारगेट अचीव्ड है और 100 पॉइंट्स ऑलरेडी पार कर चुके हैं। सिग्नल एंट्री लेने के पहले से एक बार कन्फर्मेशन को नज़र मारिए। कन्फर्मेशन के लिए 3 कन्फर्मेशन पहले चेक करना पड़ता है, पहले कैंडल कलर और नीचे वॉल्यूम बार भी चेक करना है, साथ में प्राइस एंड बाइस। अगर तीनों कन्फर्म्ड है तो सेकेंड कैंडल के ओपनिंग रेट को एंट्री ले सकते हो। ऑलरेडी रेसिस्टेंस ब्रेक करके, ये रेड कलर स्टार ब्रेक करके ऊपर निकल गई थी, इसके लिए आराम से सेकेंड कैंडल में एंट्री ले सकते थे। तो उसके बाद 100 पॉइंट्स आराम से मिला है। तो उसके पहले सेल आई थी, वो सेल कन्फर्म नहीं था, वो साइडवेज दिखाए, यानी कि एक्स्ट्रा कलर्स यहाँ पे दिखा रही हूँ, साइडवेज है हमारे सॉफ्ट के हिसाब से, यानी कि बाई में भी सेल में भी नहीं ऐसा खड़ा है। ऊपर से नीचे वॉल्यूम बार भी अपना देखिए ग्रीन है, जब रेड होने वाला था कंफर्म हो, नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग रेट को लेने लेना चाहिए था एक्चुअली, वापस साइडवेज दिया, तो इसके लिए नहीं ले सकते, कन्फर्म नहीं है। और मॉर्निंग में भी बाई मिले थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट कल के क्लोजिंग, कल में जैसे ओपन हुए थे वो सिग्नल के कंटिन्यूएशन गए थे, 17,979 से लेकर अभी 18,111 तक गए थे, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट थे मॉर्निंग में, आराम से इसमें अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकते थे। और ये निफ्टी का है, और सेकंड बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का भी सेम ऐसे ही मोमेंट है, मॉर्निंग में बाई था, फिर सेल आई थी, वो कंफर्म नहीं है, और उसके बाद बाई निकले, पर ये सेल की एक्चुअल बोलेगा तो ये सेल में एक्चुअली 90 पॉइंट्स, कम से कम 70-80 पॉइंट्स आराम से गिर चुके हैं। उसी के बाद ये फिर जितना नीचे जा रहा है उतना रिवर्स है, इसके लिए सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे कंफर्म नहीं दिया। अगर चाहिए तो ये सेल कॉल में आप स्कैल्पिंग कर सकते थे, छोटा पॉइंट लेकर निकल सकते थे 1 मिनट यूज करके, क्योंकि 1 मिनट में ऑलरेडी टारगेट उसमें हिट हो चुकी थी, छोटा पॉइंट मिल रहा था उसी टाइम। पर हमारे सॉफ्टवेयर ने इंट्राडे टाइमिंग कंफर्मेशन नहीं दी, क्योंकि नीचे वॉल्यूम बार देखिए पूरा ग्रीन है। इसमें लेटेस्ट सिग्नल सेम 1:10 के अंदर 38,455 में दिए थे, उसके हिसाब से अभी देखिए 200 पॉइंट्स पार कर चुके, तीनों टारगेट के बाद री एंट्री भी आई है, 2:45 को दिए थे ये री एंट्री, काफ़ी अच्छा। अभी भी बाई पोजिशन में, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन डाउन की तरफ इशारा कर रही, पर फिर भी बाई जोन में ऊपर जाएगा जरूर, ओके। ये बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस, इसमें मॉर्निंग में भी काफ़ी रेसिस्टेंस ब्रेक करके गई थी उसी टाइम की तरह, उसमें भी 38,333 में एंट्री लिया तो भी आराम से 38,765 तक गए थे, वो भी प्रॉफिटेबल था मॉर्निंग में, ओके। नेक्स्ट हमारा मारुति का, उसके स्टॉक भी दिखा रही हूँ साथ में मैंने मारुति का। इसमें वन साइड मोमेंट था आज, इसमें मॉर्निंग में 10:55 यानी कि 11:05 पहले 7734 में एंट्री लिया था, उसके हिसाब से 64 पॉइंट अभी अच्छी है। अभी भी री एंट्री फिर से मार्केट में आई है, रेसिस्टेंस ब्रेक करके फिर से ऊपर ही जा रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग में सेल भी दिए थे पर कंफर्म नहीं था, 9:30 बजे लगभग सेल दिए थे, वो साइडवे दिखाया पूरा,
मार्केट नीचे गई नहीं है, सपोर्ट तोड़ा नहीं है इसने। नेक्स्ट डॉक्टर रेड्डी का, डॉक्टर रेड्डी में भी सेम मॉर्निंग में बाई सिग्नल मिले थे, वो भी 9:25 को, 9:25 कंफर्म नहीं था, कंफर्मेशन आए थे बाद में, ये पोजीशन में आए थे, उसी पॉइंट में ही सपोर्ट लेवल तोड़े थे, यहाँ से ही रेसिस्टेंस ब्रेक, सॉरी सपोर्ट नहीं रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ये लेवल में ही ब्रेकआउट कर दिए थे, उसी पॉइंट में ही ऊपर गए थे। 20.2 पॉइंट्स अभी अच्छी हैं। नेक्स्ट एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स में भी मॉर्निंग में बाई की तरफ इशारा है, पर बाई इतना काफ़ी ऊपर गया नहीं है, सेल अच्छी नीचे गई है, उसके बाद बाई अभी तीनों टारगेट के बाद रीएंट्री भी आई है, तो 15-15 पॉइंट अभी देखिए तीनों टारगेट कुल मिलाकर लेटेस्ट बाई सिग्नल के अच्छी हो गए। वो 2:05 के अंदर आई थी 3123 में, 3123 में लिए थे, तीनों टारगेट अचीव हो गया, तो उसके बाद री एंट्री भी आई, अभी फिर से रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा तो फिर से ऊपर जाएगा। उसके पहले सेल की पोजीशन है, सेल में भी अभी ऑलरेडी ये लेवल, ये तीसरी या चौथी कैंडल में 3124 में एंट्री ले सकते थे, 3109 तक गए थे, 20 पॉइंट्स आराम से वहाँ से भी कमा सकते थे सेल की भी। और नेक्स्ट है टाटा स्टील, टाटा स्टील में भी आज वन साइड मोमेंट था, कल की बाई की कंटिन्यूएशन गए थे, कल के बाई यानी कि क्लोजिंग में दो आए थे लास्ट में 2:05 के अंदर, तो आज मॉर्निंग से यहाँ से 3126 में एंट्री लिया था, तो अभी 3160 चल रही हूँ, तो यानी कि 40 पॉइंट्स के हिसाब से आज भी मिला है, अभी थोड़ा सा डाउन की इशारा दे रही है, उसमें ट्रेंड लाइन थोड़ा सा डाउन दिखा रही है, पर फिर भी बाई में है, रेसिस्टेंस फिर से ब्रेक किया तो फिर से ऊपर जाएगा ये। नेक्स्ट TCS का, TCS में भी आज वन साइड मोमेंट था, इसमें कल की बाई की कंटिन्यूएशन ही जा रही हो, बीच में इसमें साइडवेज जरूर दिए थे, वहाँ से क्रॉस आउट करना चाहते थे, क्रॉस आउट रेड कैंडल रेड भी हो गए थे, तो वहाँ से फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर चले गए, तो यहाँ पे क्या है पोजीशन, अपन यहाँ से बाई की कंटिन्यूएशन ले सकते 3763 में, 63 से लिया तो अभी 3794 तक गए थे, तो 25 पॉइंट्स हासिल करके फिर से यहाँ पे आपने कट किया तो भी आराम से फिर से यहाँ से एंट्री ले सकते थे, 3189 से लिया तो अभी 96 तक गए थे, यानी कि यहाँ पे 3-4 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें भी मिला है, टोटल कल के सेकल के हिसाब से अभी 39 पॉइंट प्रॉफिट में हो, ऐसा ही ये आज की परफॉर्मेंस है। सेम ऐसे ही लाइक परफॉर्मेंस मैं अपडेट करती रहूँगी, तो इसमें आपको लाइव ऐसे ही वन डे फ्री ट्रायल यहाँ से अवेलेबल रहता है, जब तक मैं आपको यहाँ से ऊपर गया है यहाँ से ऐसे समझ में आएगा तो आपको फर्क करना, जब तक आप लाइव में करोगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, बहुत कन्फ्यूजन रहती है, यहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिलता है आपको, एक बार वन डे फ्री ट्रायल ले लीजिएगा सब लोग, मेरे व्हाट्सएप में भी कॉल कीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू।